उधर कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें लगती रहीं। इधर शिवराज वसुंधरा पर बड़ी खबर सामने आ गई। अगर ऐसा हो गया तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया नई पार्टी बना लेंगे। दावा सुन हिले दिग्गज। पूरा मीडिया उधर कमलनाथ की बीजेपी में जाने पर नजरें गड़ाए रहा और इधर एक दिग्गज नेता ने बड़ा दावा करके सबको हिला दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा हो गया तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया अलग पार्टी बना लेंगे। ये वो दोनों नेता हैं जिन्हें पार्टी हाईकमान कुछ वक्त से भाव नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इस दावे पर लोगों को यकीन भी हो गया है। अब ये दावा किया किसने, पहले ये सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि इस दावे में कितना दम हो सकता है। ये दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 35 हटा दी तो बीजेपी के जो आज नेता हैं, वो शाम तक शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपनी पार्टी बना लेंगे। जो तांता बीजेपी की तरफ जाने का लगा हुआ है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। केजरीवाल का यह बयान सुनने के बाद कई लोग शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को फोन मिलाने लगे, ये पूछने लगे कि क्या सच में कोई ऐसी बात है। तो पता चला कि नहीं, ये केजरीवाल का नया पैंतरा है। जिस तरह से कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें थी, ठीक उसी तरह से केजरीवाल ने यह नया शिगोभा छोड़कर बीजेपी को असहज करने का प्लान बनाया। और बड़े बड़े जानकार ये कहते हैं कि ये दोनों नेता हाईकमान से नाराज हैं और उनके पास नाराजगी की वजह भी है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की मेहनत से मध्य प्रदेश में चुनाव जीता पर सीएम शिवराज को नहीं बनाया, जिससे वो नाराज हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार इग्नोर किया गया, उनके समर्थकों को भी भाव नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो खफा है। राजनीति में इग्नोरेंस वाली बात सबसे बड़ी होती है। जब कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें थी तब भी यही बात सामने आई थी और उन्हें पार्टी हाईकमान लगातार इग्नोर कर रहा है, इसीलिए नाराज हैं। इसलिए यही वाला फॉर्मूला लगाकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात कही। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इन दोनों नेताओं का पीएमएलए कानून से क्या लेना देना है, तो ये भी समझ लीजिए, फिर बताते हैं कि ये कानून क्या है। साल 2012 में ऐसी खबर सामने आई थी कि शिवराज के करीबी दिलीप सूर्यवंशी पर 1000 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति रखने के आरोप लगे थे। जांच भी शुरू हुई थी। साल 2018 में हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे बहू और दामाद से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। इन पर ललित मोदी के साथ मिलकर खेल करने का आरोप है। हो सकता है कि केजरीवाल के दावे के पीछे ये आधार हो, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में तो इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या ये आरोप राजनीतिक हैं? साल 2018 से 2020 तक मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही थी, तब जांच क्यों नहीं हुई थी? या फिर केजरीवाल की ये बातें ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी पर आरोप लगाकर माफी मांग लेते हैं? केजरीवाल जिस कानून की बात कर रहे हैं उसने नेताओं के अंदर एक डर पैदा कर दिया है, ये सच बात है। ये कैसा कानून है जिसकी मदद से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है? यहाँ मनी का मतलब पैसा और लॉन्ड्रिंग का मतलब गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन की हेराफेरी करने वाला व्यक्ति यानी लाउंडर। इसी केंद्र में सत्येंद्र जैन से लेकर पी चिदंबरम तक जेल जा चुके हैं। पीएमएलए के अंदर आने वाले सभी मामले संघे और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। यानी केजरीवाल का दावा है कि इसी डर से नेता बीजेपी में जा रहे हैं, पर सवाल ये भी है कि शिवराज और वसुंधरा जैसे दिग्गज नेता जो शुरुआत से अब तक बीजेपी के साथ हैं, उनकी नई पार्टी बनाने का दावा केजरीवाल ने कैसे कर दिया?